दोस्तों, आलू मटर के तो अलग अलग तरीके आपने देखे ही हैं, लेकिन ऐसा तरीका जिसमें 10 से 15 मिनट में ही आलू मटर बनके तैयार हो, मतलब मेहनत बिल्कुल ना के बराबर हो, सारी चीजें एक साथ डाल देंगे कुकर में, सीटी लगाएंगे और आलू मटर बनके तैयार। इतना टेस्टी रिजल्ट आता है दोस्तों, ऐसे की सच बोल रहा हूँ, आप रोज बनाकर ऐसे ही खाओगे क्योंकि आपका दिल खुश हो जाएगा ये मेथड देखकर। सच बोल रहा हूँ दोस्तों। तो फटाफट से बताता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आलू मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्याज का इस्तेमाल किया है। ये थोड़े छोटे प्याज हैं तो इसलिए मैंने 4 लिए हैं, वैसे 3 मीडियम साइज भी काफी होंगे। आप प्याज के रूट्स निकाल देना और एकदम रफली चॉप करना, कोई फाइन चॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे तभी सही से ये रेसिपी काम करती है। इसके साथ मैंने 4 टमाटर लिए हैं, ये हाइब्रिड वाले टमाटर हैं। ध्यान रहे, अगर आप देसी वाले टमाटर यूज कर रहे हो तो वो 2 ही यूज करना क्योंकि वो थोड़े खट्टे हो जाएंगे, और अगर आप हाइब्रिड यूज कर रहे हो मेरी तरह तो 4 काफी होंगे, एकदम सही ग्रेवी बन जाएगी इनसे। और क्या उनको काटना है, फाइन चॉप करना है? नहीं नहीं दोस्तों, बस इनको आधा कट कर देना और रूट निकाल देना, आसान है ना प्रिपरेशन। अदरक को आपको घिसना पड़ेगा क्योंकि अदरक में क्या होता है कि ये गलती नहीं है। रही बात आलूओं की, तो आलूओं को मैंने बहुत छोटा नहीं किया है, एक छोटा आलू है तो उसको आधा कट कर लिया है, मीडियम साइज का आलू है तो उसके 3 पार्ट कर लिए हैं, और अगर बहुत बड़ा साइज का आलू है तो आप उसको 5 से 6 पार्ट में कर लेना, लेकिन बहुत छोटा मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेसिपी का। अगर बहुत छोटा रखेंगे तो आलू ज्यादा जल्दी पक जाएगा और रेसिपी सही से बन नहीं पाएगी। आखिरी चीज जो आपको चाहिए वो है लहसुन, और लहसुन आपको काटनी है बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल पूरी पूरी ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। बस यही थी तैयारी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको बनाना कैसे है। आप बस कुकर में सरसों का तेल डालना, मैंने आधा कप सरसों का तेल लिया है। अगर आपको सरसों का तेल यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको टैकल कैसे करना है। लेकिन मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है तो उसको अच्छे से पहले गरम किया है, और फिर इस गरम गरम तेल में आप सूखी लाल मिर्चें डालना स्पाइसी बनाने के लिए, थोड़ा सा जीरा डालना, इसी मेथड से आप डालना, पहले लहसुन डालना, फिर प्याज डालना, फिर आप आलू डाल देना, सारे आलू इसी टाइम पर डालने हैं दोस्तों, टमाटर भी इसी टाइम पर डाल देना, किसी भी अदरक भी इसी टाइम पर डाल देना बिल्कुल, और 2 कप मैंने मटर लिए हैं, एकदम फ्रेश मटर, सीजन वाले, मीठे मीठे वाले, अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, ये सारी चीजें दोस्तों इसी टाइम पर डालनी है। ध्यान रहे, ये सब चीजें डालते वक्त मैंने गैस को बंद करके रखा हुआ था, तेल गरम गरम था तो हल्की सी कुकिंग नीचे ऑलरेडी हो ही चुकी है। आप इन सारी चीजों को अच्छे से मिला देना ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कुकिंग हो पाएगी, पानी डालना है या नहीं डालना, आगे करना कैसे है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। ये सारी चीजें मिलाने के बाद आपने ढक्कन लगाकर सीटी लगानी है, ये प्रोसीजर है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको तेल ज्यादा लग रहा था तो कैसे कुकिंग करनी है। अगर आपने तेल कम डाला और पानी बिल्कुल भी नहीं डाला तो दोस्तों ध्यान देना कि जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने से पहले दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना। पानी एक इंश्योरेंस होगा कि जो हमारा जो पूरा मिक्सचर है ये जले बिल्कुल भी ना, जैसे कि तेल एक इंश्योरेंस है कि ये जो पूरा मिक्सचर है ये जले बिल्कुल भी ना। मैंने ज्यादा तेल इसलिए यूज किया है ताकि इसमें रोस्टिंग भी अच्छे से हो, भुनाई भी अच्छे से हो, फ्लेवर भी निकल कर आए। तो ध्यान रहे, अगर आप पानी ज्यादा यूज करने वाले हो तो हल्का सा उबला उबला सा फ्लेवर आएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि मेरी रेसिपी एकदम ढंग से फॉलो करना, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कुकिंग कैसे करनी है। आप गैस को मीडियम हाई फ्लेम पर रखना और 3 सीटी आने देना। घड़ी से देखकर दोस्तों आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में 3 सीटी भी आ जाएंगी। 3 सीटी के बाद जब आप गैस बंद करोगे तो प्रेशर कुकर ठंडा भी हो जाएगा। ये सारी चीजें 10 मिनट में बहुत आराम से हो जाती है। जब आप कुकर खोलोगे तो आप खुद ही देखना, सारी चीजें पक चुकी होंगी दोस्तों, A to Z हर एक चीज। तो आप क्या करना कि टमाटरों से आप इनका छिलका निकाल देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप टमाटरों से छिलका नहीं निकालोगे तो वो आगे सही से कुकिंग हो नहीं पाएगी। तो छिलका निकालने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्याज लहसुन सब गल चुका है। रही बात आलू की, तो आलू सिर्फ 80% तक पके हैं, थोड़ी सी कसर रहती है आलू में। तो अब आपने क्या करना है, तो अब आपने गैस को ऑन करना है, और इसमें इतना सारा जो पानी आ गया है ना, जो प्याज से टमाटर से जो पानी निकला है, ये आपको उड़ाना है ताकि जो भुनाई रहती है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और फ्लेवर एकदम निखर कर आए। और इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून तक गरम मसाला डाल देना,
और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देना, एक फ्रेशनेस भी आएगी, खुशबू भी आएगी। धीरे धीरे करके पानी जब उड़ने लग जाएगा और तेल ऊपर से आने लग जाएगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे दोस्तों आपको इसमें। जब ये स्टेज आ जाए तो फिर आप 1 चम्मच तक दही डालना, सिर्फ 1 चम्मच तक, खट्टी नहीं होनी चाहिए दही, बस बैलेंस के लिए मैंने दही डाली है, और एंड में कसूरी मेथी डाल देना। ये सारी चीजें दोस्तों आप अच्छे से मिलाना, 2 मिनट तक अच्छे से पकाना ताकि दही का कच्चापन भी दूर हो जाए और सारे मसाले अच्छे से मिल जाए, और बस आलू मटर बनके पूरे तैयार है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अभी बहुत ड्राई ड्राई होंगे तो आप क्या करना कि आप पानी डाल देना, गरम गरम पानी 1 से 2 कप के आसपास, जितना आप तरी बनाना चाहते हो उस हिसाब से बिल्कुल अच्छे से मिलाना, एक उबाला आने देना और ढककर गैस बंद करके 5 मिनट तक छोड़ देना। अपने आप ही सारा फ्लेवर रच जाएगा और हर एक चीज एकदम परफेक्टली बनकर आएगी दोस्तों। ये देखो दोस्तों, आप एकदम परफेक्टली बने हुए आलू मटर हैं, और अगर मैं आपको आलू दिखाऊं ना तो एकदम क्रीमी क्रीमी, एकदम सॉफ्ट आलू बनते हैं, और मटर तो एकदम 100% पके हुए हैं। तो इससे आसान आलू मटर की रेसिपी दोस्तों मैंने तो आज तक नहीं देखी है, और मैं जानता हूँ आपने भी नहीं देखी होगी। तो इसी बात के लिए आप वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसे ही एकदम इजी वाली पाव भाजी रेसिपी देखनी है जो कि 15 से 20 मिनट में ही बन जाए, तो आप ये वीडियो देखना, आपके बहुत काम आएगी।